21 नवंबर 2023 को भुवनेश्वर, भारत के कलिंगा स्टेडियम में दो फुटबॉल दिग्गजों भारत और कतर के बीच फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर के दूसरे दौर में एक हाई ऑक्टेन क्लैश देखने को मिलेगा। यह मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे तीसरे दौर के क्वालिफायर में जगह बनाने और अपने विश्व कप के सपनों के करीब पहुंचने का लक्ष्य रखती है। भारत ने मुख्य कोच इगोर स्टिमाक के मार्गदर्शन में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। उन्होंने अपने फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफाइंग अभियान की शुरुआत एक सकारात्मक नोट पर की। अपने शुरुआती मैच में कुवैत पर 1-0 से कड़ी जीत हासिल की। इस जीत ने टीम के आत्मविश्वास को बढ़ाया है और प्रशंसकों के बीच उम्मीदें बढ़ाई हैं। दूसरी ओर कतर एशियाई फुटबॉल में ताकत का केंद्र है। वे मौजूदा एशियाई चैंपियन हैं जिन्होंने 2019 में AFC एशियन कप जीता था। उन्होंने 2022 फीफा विश्व कप में भी एक मजबूत प्रभाव डाला, टूर्नामेंट की मेजबानी की और सेमीफाइनल में पहुंचे। भारत और कतर के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड कतर के पक्ष में है। उनके पिछले मुकाबलों में 2 जीत और 1 ड्रॉ है। हालांकि भारत ने हाल के मैचों में लड़ाई की भावना दिखाई है और उनका घरेलू लाभ एक महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। कतर के दबदबे के बावजूद विशेषज्ञों को एक करीबी और रोमांचक मैच की भविष्यवाणी है। भारत एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपनी क्षमता साबित करने के लिए दृढ़ संकल्प होगा, जबकि कतर अपनी जीत की लय को बनाए रखने का लक्ष्य रखेगा। भारत बनाम कतर मैच मंगलवार 21 नवंबर 2023 को भारतीय मानक समय IST शाम 7 बजे भुवनेश्वर, भारत के कलिंगा स्टेडियम में शुरू होगा। मैच का सीधा प्रसारण स्पोर्ट्स 18, स्पोर्ट्स 18-1 और स्पोर्ट्स 18-3 पर किया जाएगा। जियो सिनेमा एप्लीकेशन और वेबसाइट पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। भारत बनाम कतर मैच एक रोमांचकारी तमाशा होने का वादा करता है, जिसमें दो फुटबॉल प्रेमी देशों के जुनून और प्रतिभा का प्रदर्शन होगा। जैसा कि दोनों टीमें विश्व कप क्वालिफिकेशन के लिए प्रयास करती हैं, कलिंगा स्टेडियम टाइटंस के टकराव का गवाह बनेगा।